इंडिया का मेडिकल सिस्टम जल्दी कोलैप्स होने वाला है। 9th मार्च 2016 को इंडिया की पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह ओपनली एक्सेप्ट किया। जी न्यूज में पब्लिश्ड एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया में बस गेस करो कितने परसेंटेज सर्जरीज फेक की जाती होगी। वेल, अ फ्रीकिंग 44% सर्जरीज फेक की जा रही है। मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी सर्जरीज कंप्लीटली अनवांटेड होती है, सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से की जा रही है। इसी रिपोर्ट ने इन सर्जरीज को बाइफर्केट करके भी बताया था कि कौन सी सर्जरियां हैं। इंडिया में होने वाले 55% हार्ट सर्जरीज, 48% यूटरस सर्जरीज, 47% कैंसर सर्जरीज, 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, 45% सी सेक्शन सर्जरीज कंप्लीटली अननेसेसरीली हो रहे हैं, सिर्फ पैसे ऐंठने के मकसद से। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, यानी कि हॉस्पिटल्स को भी कॉर्पोरेट कंपनीज की तरह टारगेट और प्रॉफिट सेंट्रिक बना देना। एक काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है जिसमें रिसर्चर्स ने महाराष्ट्र के टॉप हॉस्पिटल्स के 43 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, सीनियर गवर्नमेंट एक्स ऑफिशियल्स और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के मैनेजर्स को तक इंटरव्यू किया ताकि वो इन हॉस्पिटल्स में जो कंपनीज की तरह ही टारगेट बेस्ड स्ट्रक्चर चल रहा है उसे पब्लिकली एक्सपोज कर पाए। And the results were shocking. So, सबसे पहले तो salaries की बात करते हैं। So, research में participate किए respondents का ये कहना था कि hospitals में काम कर रहे doctors की salaries में बहुत huge difference होता है। इतना ज्यादा कि newbie doctors को 1 लाख पर month की salary मिलती है, लेकिन senior doctors को 1 करोड़ पर month तक भी ये salary पहुंच जाती है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इतना बड़ा difference क्यों? क्योंकि डिफरेंस इनके टारगेट्स में भी होता है। एक सीनियर ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट का ये कहना है कि उन्हें एवरी मंथ 1000 पेशेंट्स को कैसे भी करके हाई एंड ट्रीटमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी पर एक और गायनेक रिस्पोंडेंट का कहना ये था कि मंथ एंड में टारगेट्स का प्रेशर काफी बढ़ जाता है, जिसके लिए उन्हें कैसे भी करके आउट पेशेंट्स यानी कि ओपीडी पेशेंट्स को भी बिना मतलब के हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता है, और नतीजा ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज रेकमेंड करके टारगेट्स मीट किए जाते हैं। क्योंकि टारगेट ही यहां पर 1000 पेशेंट है। अब आप खुद ही सोचो, हर हॉस्पिटल में, हर डिपार्टमेंट, जैसे ऑप्थाल्मोलॉजी में ही ले लो, उसमें मिनिमम 5 से 6 डॉक्टर्स होते हैं और सबको सिमिलर टारगेट्स दिए जाते हैं, तो जस्ट इमेजिन हॉस्पिटल्स प्रॉफिट एंड आर लॉस। एंड बाय द वे, दीज टारगेट्स आर टेकन वेरी सीरियसली। उसी रिसर्च में कई सारे सीनियर डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर कोई डॉक्टर अपने टारगेट्स को लगातार 2 महीनों तक मिस करता है तो बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसा ही उसको वर्बल वार्निंग मिल जाएगी या फिर एक मेमो दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर टारगेट्स मीट नहीं होते तो ऑफ कोर्स टाटा बाय बाय। So, आप यहां पर देख सकते हो हॉस्पिटल इंडस्ट्री कैसे एक सर्विस इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसमें कस्टमर पेशेंट टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, बट यहां पे प्रॉफिट टॉप प्रायोरिटी हो जा रहा है। और बाय द वे, इन टारगेट्स का ट्रैक भी हॉस्पिटल हायर्ड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स यानी कि MBAs जो कि बड़े बड़े MNCs में ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर्स ऐसे काम करते हैं, ये लोग बकायदा डॉक्टर्स के इन टारगेट्स का ट्रैक रखते हैं। एंड ऑफकोर्स यहां पर डॉक्टर्स भी उतने ही डेडिकेशन के साथ ये टारगेट्स को पूरा करते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा उनकी सैलरी बहुत ही हाई होती है, लेकिन उनका ये हाई पेइंग जॉब मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होता है। एंड सो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने के लिए और उनका न्यू पे स्केल डिसाइड करने के लिए उनके पिछले साल के टारगेट्स को देखा जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली इन डॉक्टर्स को फोर्स कर देता है इलीगल स्कैम्स तक करने के लिए। नाउ मेडिकल फील्ड के इलीगल प्रैक्टिसेस को थरली समझने के लिए हमने ये सारा इन्फॉर्मेशन 2 काफी प्रोमिनेंट डॉक्टर से लिया है। पहला है पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी डॉक्टर BM हेगड़े, जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का रेफरेंस है। और दूसरा रेफरेंस हमने लिया है एक बुक से कॉल्ड डिसेंटिंग डायग्नोसिस बाय डॉक्टर अरुण गाडरे एंड डॉक्टर अभय शुक्ला। लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी हमें ये बुक ऐसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं मिली, लेकिन हमें बिजनेस इनसाइडर का एक आर्टिकल मिल गया जिसमें उस बुक के कुछ मेन एक्सर्प्ट्स अवेलेबल है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्कैम, जो इतना घिनौना है कि इंसानियत भी काइंड ऑफ शर्मा जाए, कीपिंग डेड पेशेंट्स अलाइव। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसे कई सारे केसेस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें डॉक्टर्स डेड पेशेंट्स को भी जिंदा बताकर उनके ट्रीटमेंट्स चालू रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए जा सके और फिर अंत में जाकर सच्चाई पब्लिक करते हैं। TOI में ही पब्लिश्ड एक केस में एक हॉस्पिटल ने पेरेंट्स को बिना बताए उनके 14 साल के ब्रेन डेड बच्चे को 1 महीने तक वेंटिलेटर पर रखा। सो 1 महीने तक जो बच्चा मर चुका था उसे जिंदा बताया गया और वेंटिलेटर पर रखा, खर्चा जनरेट किया एंड बाद में हॉस्पिटल गिल्टी प्रूव भी हुआ एंड उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन के लिए दिए। अब 5 लाख रुपए मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन तो हॉस्पिटल को देने पड़े, बट ये आप और मैं भी जानते हैं कि उस वक्त पेरेंट्स ने जब ये बात सुनी होगी, जब ये सच्चाई उन्हें पता चली होगी, तो उन पर
क्या बीती होगी। अब ये वेंटिलेटर स्कैम्स के अलावा डॉक्टर हेगड़े के आर्टिकल के अनुसार कई बार डॉक्टर्स डेड पेशेंट पर इमरजेंसी सर्जरीज करने का भी बहाना बनाते हैं, जिसके लिए फैमिली से अर्जेंटली पैसे जमा करवाया जाता है और फिर लास्ट में पेशेंट डाइड ड्यूरिंग सर्जरी दिखाकर मैटर को क्लोज कर दिया जाता है। मतलब पेशेंट पहले ही डेड हो चुका था लेकिन सर्जरी के बहाने से पैसे ले लिए गए, फिर बाद में डाइड ड्यूरिंग सर्जरी बोलकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। अब फ्रेंड्स दूसरा बड़ा स्कैम यहां पर आ जाता है जो है स्कैम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। आई वाज शॉक्ड टू नो कि रीसेंट सर्वे के हिसाब से 68% इंडियंस अंडर इंश्योर्ड है। मतलब इनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी तो है लेकिन जरूरत के टाइम पर वो पॉलिसी उनकी मदद ही नहीं कर पाती। और जानते हो क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज कई सारे लूप होल्स का यूज करते हैं ताकि जब आप क्लेम करने जाओ उन्हें उस मुश्किल की घड़ी में कम से कम पैसे भरने पड़े। सो चलो आज इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि आप अपने लिए इंश्योरेंस खरीदते वक्त इन लूप होल्स में बिल्कुल ना फंसो। सो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका इंश्योरेंस कौन से टाइप का है, यानी कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जहां पर सिर्फ आप ही कवर्ड हो, आपके कोई फैमिली मेंबर्स नहीं कवर्ड है, या फिर वो फैमिली फ्लोटर प्लान है जहां पर आपको प्रीमियम एक ही बार भरना है लेकिन उसके बाद अगर कोई भी फैमिली के किसी भी मेंबर को इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका खर्चा बेयर करेगी। नंबर टू, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि एडमिट होने से पहले के टेस्ट वगैरह के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद भी दवाई और टेस्ट के खर्चे। बिल्कुल ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी ये सब कवर करेगी या फिर नहीं। नंबर थ्री, डे केयर ट्रीटमेंट। अब कैटरैक्ट हो गया फॉर एग्जांपल, या कीमोथेरेपी या कोई भी माइनर सर्जरी में हॉस्पिटल में ओवरनाइट रहने की जरूरत नहीं है। सो आपको ये इंश्योर करना होगा कि ऐसे डे केयर ट्रीटमेंट्स भी आपके पॉलिसी में कवर्ड हो। नंबर फोर, रूम रेंट लिमिट। ये बेसिकली एक ऐसा लिमिट होता है जो आपके इंश्योरर ने लगाया है आपके पर रूम खर्चे को लेकर। सो मान लो अगर आपने एक 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसका रूम रेंट कैप सिर्फ 1% है, जो एक्चुअली काफी पॉलिसीज में होता है, तो अगर आपका रूम है 10,000 रुपीज पर डे का तो आपको कंपनी की तरफ से सिर्फ 5 लाख का 1% यानी कि 5,000 रुपीज ही मिलेगा, बाकी का 5,000 आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। नंबर फाइव, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। अगर किसी को इंश्योरेंस लेने से पहले से ही कोई बीमारी है तो कम प्रीमियम के लालच में उन्हें कंपनी से बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि फिर इंश्योरेंस क्लेम करने के टाइम पर बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नंबर सिक्स, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस, जो हो सकता है आपके एम्प्लॉयर कंपनी ने ऑलरेडी आपके लिए निकाल कर रखा हो, लेकिन एक्सपर्ट्स यूजुअली ये एडवाइस करते हैं कि आप सिर्फ कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पर रिलाय ना करें, क्योंकि उनके कवर्स सिर्फ 2 से 3 लाख रुपीज तक ही होते हैं और आपके कंपनी छोड़ते ही ये इंश्योरेंस भी कैंसिल हो जाता है। नंबर 7 पर है कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल। अब यहां पर आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जिसका मतलब यह होता है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली खुद ही उस हॉस्पिटल को बिल पे कर दे, ना कि आपको पहले बिल पे करना पड़े और फिर बाद में वो अमाउंट को वो कंपनी आपको रीइंबर्स करे। इससे झंझट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्लस अमाउंट के ऊपर नीचे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऑल्सो आइडियली आपके पॉलिसी में हॉस्पिटल नेटवर्क जितना ज्यादा बड़ा है उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उतने ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स में आपकी ट्रीटमेंट वैलिड होगी। सो फ्रेंड्स आप ये तो समझ गए हो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब आप कैसे ये इंश्योर करोगे कि आप अपने लिए एक सही पॉलिसी खरीद रहे हो कि नहीं। इसके लिए आई वुड सजेस्ट आप पॉलिसी बाजार के वेबसाइट को विजिट करो और वहां जैसे ही आप अपने बेसिक डिटेल्स डालोगे आपको तुरंत उनके एक एग्जीक्यूटिव का कॉल आ जाएगा। अब आपको सिर्फ उनको अपने सारे रिक्वायरमेंट्स अच्छे से बताना है और बस फिर सिर्फ कुछ ही मिनट में, सिर्फ 15 से 20 मिनट में वो अपने 51 इंश्योरेंस पार्टनर्स के डेटाबेस से आपके सामने कुछ पॉलिसी ऑप्शंस प्रेजेंट करेंगे जो आपके रिक्वायरमेंट्स को परफेक्टली फिट करता हो। और बस आपको उन्हीं प्लान्स के थ्रू स्टडी करना है, इन्यूमरस प्लान्स को कंपेयर करने की कोई झंझट नहीं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बेस्ट टेलर्ड कस्टमाइज्ड प्लान यहां पर मिल जाएगा। ऑल्सो इनके कई सारे प्लान्स में तो 25% तक के डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होते हैं और कईयों में तो आपको 1 करोड़ तक के हेल्थ इंश्योरेंस केवल 390 रुपीज पर मंथ से भी मिल सकते हैं। सबसे यूनिक बात इनकी ये है कि इनका ओनली 30 मिनट्स क्लेम सपोर्ट सर्विस है और आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है जिससे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। यहाँ पर कोई कस्टमर सपोर्ट का झंझट नहीं है। ये मेरे साइड से एक जेन्युइन रिकमेंडेशन है, क्योंकि अगर आप पॉलिसी बाजार से कोई भी इंश्योरेंस खरीदते हो तो ये आपको एक क्लेम गारंटी सर्टिफिकेट भी देते हैं, जिसमें ये इनके तरफ से प्रोवाइडेड सारे प्रोमिसेस को प्रॉपरली मेंशन करते हैं, ताकि अगर बाय चांस कल को पॉलिसी बाजार अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाया तो आपके पास उसका एक रिटन प्रूफ होगा और इसीलिए आप खुद पॉलिसी बाजार विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया।
हर साल 2000 इंडियंस अपनी किडनी बेचते हैं। इसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड 2019 में एक दिल दहला देने वाला केस सामने आया, जिसके वजह से 100 करोड़ का बड़ा ट्रैफिकिंग नेक्सस एक्सपोज हो गया। सो हुआ कुछ यूं था कि संगीता कश्यप नाम की एक कानपुर की औरत को उसके हस्बैंड के एक दोस्त जॉब दिलाने के बहाने से अपने साथ दिल्ली ले गए। दिल्ली पहुंचकर उसे बताया गया कि कंपनी उसको जॉब देने से पहले उसका एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप चाहती है, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब गेस करोगे वो हॉस्पिटल कौन सा था? वेल, एक बहुत ही बड़ा चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, जिसका मेरे लिए नाम लेना भी थोड़ा सा रिस्की है, बट फिर भी आपके जानकारी के लिए मैं बताऊंगा, उसका नाम था फोर्टिस। मूविंग फॉरवर्ड, संगीता को ये मेडिकल प्रोसीजर कंप्लीटली नेचुरल लगा, क्योंकि काफी कंपनीज हेल्थ सर्टिफिकेट मानती है प्रायर टू रिक्रूटमेंट। लेकिन कोइंसिडेंस कहो या डिवाइन इंटरवेंशन कहो, संगीता जब अपने बेड पर लेटी हुई थी तब उसके बाजू में कुछ डॉक्टर्स बात कर रहे थे और उन्होंने उसे गलती से उसके सामने ही डोनर कहकर रेफर कर दिया। अब ये वर्ड संगीता को सडनली स्ट्राइक हुआ और उसे तब आभास होने लगा कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। सो वो डॉक्टर्स के जाने के बाद छुपके से उठकर हॉस्पिटल से भाग गई। अब इस हादसे के बाद उस हस्बैंड के दोस्त ने माफी मांगना तो दूर, उल्टा संगीता को गुंडे भेजकर 50,000 रुपए भरने के लिए धमकाने लगा। अब जाहिर है संगीता इससे डर गई और उसने एक पुलिस कंप्लेन फाइल कर दिया, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा ऑर्गन ट्रैफिकिंग नेक्सस पकड़ा गया। पुलिस ने अपने चार्जशीट में क्लियरली ये मेंशन किया है कि इस नेक्सस में पुलिस पर्सनल, फोर्टिस के डॉक्टर्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, मेडिकल सपोर्ट स्टाफ, हर एक जन शामिल थे। यानी कि उन्हें ये पता था कि संगीता की किडनी इलीगली बेची जा रही है, लेकिन उसके बावजूद एक भी इंसान ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। एक्चुअली होता क्या है ना, ऐसे केसेस में पहले तो सबको पैसे खिलाकर चुप करवाया जाता है, और दूसरी बात, अगर किसी को आवाज उठानी भी होती है, इन बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल टीम्स होती है और कनेक्शंस भी होते हैं, जिस वजह से इन सब से कोई आम इंसान पंगा नहीं लेना चाहता। कॉमनली इंसान यही सोचता है कि इससे अच्छा पैसे खाकर चुप हो जाओ। और ये कोई इकलौता केस नहीं है भारत में। रियूटर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट पोस्ट, इंडियन एक्सप्रेस जैसे इन्यूमरस मीडिया चैनल्स ने ऐसे इन्यूमरस केसेस रिपोर्ट किए हैं, एंड यू विल नॉट बिलीव, कई केसेस में तो ट्रांसप्लांट के बाद डोनर्स को उनकी फीस तक नहीं दी जाती। अब चौथा स्कैम जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो काफी स्लाइली मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स कर रहे हैं, द हॉस्पिटल रेफरल स्कैम। आपने देखा होगा आपके फैमिली डॉक्टर या फिर कोई भी जनरल फिजिशियन पेशेंट्स को अननेसेसरीली तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कह देते हैं। वेल, वो इसीलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वो अपोलो, फोर्टिस जैसे बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के रेफरल मेंबर्स होते हैं। इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल्स चेन्नई के चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर एमके मणि ने ये खुद कहा है कि डॉक्टर्स को रेफरल्स के लिए पैसे मिलना एक ओपन सीक्रेट है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया के इस एक इन्वेस्टिगेशन में कोटेड है कि बड़े बड़े 5-स्टार हॉस्पिटल्स जैसे कोकिलाबेन, अपोलो, डॉक्टर्स के लिए रेफरल प्रोग्राम्स चलाते हैं। इनफैक्ट उसी आर्टिकल में ये भी मेंशनड है कि मुंबई के फेमस कोकिलाबेन हॉस्पिटल ने तो सामने से महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को लिख के एक लेटर में एक्नॉलेज किया कि वो हॉस्पिटल डॉक्टर्स को फॉर्म्स भेज रही थी उनके रेफरल प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए, जिसमें लिटरली रेफरी डॉक्टर को एनुअली 40 पेशेंट्स रेफर करने के लिए 1,00,000 रुपए, 50 पेशेंट रेफर करने पे 1,50,000 रुपए और 75 पेशेंट्स पर 2.5 लाख रुपीज मिलते हैं। बेसिकली उनका टारगेट है अपने पास आए पेशेंट को कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो बस हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए भेज दो, और ऐसा करने पर उनको रेफरल अमाउंट मिलता है जो सीधे डॉक्टर्स के अकाउंट्स में प्रोफेशनल चार्जेस के नाम पर एकदम लीगली क्रेडिट कर दिया जाता है। अब इस तरीके से बेसिकली ये प्रोसेस किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के नजर में नहीं आता, बट अगेन डॉक्टर एम के मणि ने इस बात की 1995 में ही मेडिकल काउंसिल के पास पूरे प्रूफ के साथ कंप्लेन की थी, बट एज एक्सपेक्टेड इस पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। अब फ्रेंड्स, अगला स्कैम है तो काफी सिंपल और इजी, बट इससे डॉक्टर्स करोड़ों का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, द डायग्नोसिस स्कैम। सो दिसंबर 2017 की ये बात है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंगलोर के कुछ डायग्नोसिस लैब्स को रेड किया था तो उन सभी लैब्स के पास करीब 100 करोड़ का अनडिस्क्लोज्ड इनकम बरामद हुआ। उनमें से तो कुछ लैब्स में तो 1.5 करोड़ कैश और 3.5 किलो का सोना भी मिला। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये 100 करोड़ रुपए का अमाउंट लैब्स ने डॉक्टर्स को रेफरल्स देने के लिए रखा था। लैब्स, यही डायग्नोसिस लैब्स, डॉक्टर्स को पेशेंट रेफरल करने के लिए 40% कमीशन देते हैं। बेसिकली पेशेंट को कुछ हुआ हो या नहीं, डॉक्टर्स उनको इन लैब्स में भेजकर जबरदस्ती टेस्ट करवाते हैं
और इन टर्न कुछ डायग्नोसिस लैब्स तो पेशेंट का सीधा सिंक टेस्ट यानी कि फेक ब्लड टेस्ट ही करवा लेते हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये सिंक टेस्ट में लैब सिर्फ एक या दो टेस्ट करके आपका ब्लड या दूसरे सैंपल्स फेंक देते हैं और एक प्री डिटरमाइंड रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, और इसीलिए ये लैब बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल हो चुका है कि आज इंडिया में 1,00,000 से ज्यादा मेडिकल लैब्स ऑपरेशनल है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1,000 लैब्स ही एक्रेडिटेड यानी कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। ये एक्रेडिशन सर्टिफाई करता है कि आप जिस लैब से टेस्ट करा रहे हो वो एकदम सेफ और रिलायबल रिपोर्ट्स आपको देगा। बट फिर भी मार्केट में कितने ही नॉन रजिस्टर्ड लैब्स मौजूद है। अब दोस्तों एक और एक बड़ा स्कैम हमारे मेडिकल सिस्टम के ग्रास रूट लेवल पर चल रहा है, जिसके लिए सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे 20 बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज 1,000 करोड़ बस डॉक्टर्स पर ही खर्च कर रही है। इस पूरे स्कैम के बारे में डाउन टू अर्थ मैगजीन ने 23 जनवरी 2019 को डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स को एक RTI फाइल किया, उससे इसके बारे में पता चला। सो DTE के मुताबिक इंडिया की 20 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को सिर्फ उनके ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब या सिंपली कहूं तो उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहती है। अब डॉक्टर्स को उस पर्टिकुलर फार्मा कंपनी की मेडिसिन को बेचने के लिए वेकेशंस और कैश इंसेंटिव दिए जाते हैं, और कंपनीज लाइक USV लिमिटेड हर डॉक्टर को 3,00,000 कैश ऑस्ट्रेलिया ट्रिप या वैंकूवर ट्रिप जैसे ट्रिप्स ऑफर करती है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल्स और फार्मा कंपनीज का एक अलग ही नेक्सस चल रहा है। हॉस्पिटल्स तो सीधा उनके प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स है। अब इस स्कैम को इंडिया टुडे ने 2017 में एक्सपोज किया था। उन्होंने ये पाया कि फार्मा कंपनीज हॉस्पिटल्स को डिस्काउंटेड रेट्स पर मेडिसिन बेचती है। उन मेडिसिन को हॉस्पिटल्स लिटरली डबल ट्रिपल प्राइसेस पर पेशेंट्स को सेल करते हैं। इंडिया टुडे ने इसका प्रूफ देते हुए बताया कि एमक्योर ऑन्कोलॉजी फार्मा अपनी टेमिक्योर 250 mg मेडिसिन एक अमृतसर बेस्ड कैंसर हॉस्पिटल को 1,950 rupees में बेचती है, और वही मेडिसिन वो हॉस्पिटल पेशेंट्स को 18,647 rupees का सेल करता है, और ऐसा सभी हॉस्पिटल्स करते हैं। डिटेल्स के लिए आप इंडिया टुडे की मेडिसिन स्कैम रिपोर्ट देख सकते हो, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब फ्रेंड्स ये सब सुनके आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में ऐसे स्कैम्स ओपनली कैसे चल रहे हैं। वेल, इसके दो मेजर रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला है लैक्स मॉनिटरिंग बॉडी। इंडिया में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI टॉप मेडिकल बॉडी है, जिसका काम मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल के एथिक्स को ओवरलुक करना है, पर ये बॉडी अपने ड्यूटीज को फॉलो करने में बिल्कुल फेलियर साबित हुई है, और ऐसा खुद गवर्नमेंट के स्टैंडिंग कमिटी ने कहा है। साल 2016 में MCI के वर्किंग को लेकर एक गवर्नमेंट स्टैंडिंग कमिटी बिठाई गई थी। उस कमिटी ने क्लियरली बताया कि MCI मैंडेट को भूलकर बस मेडिकल कॉलेजेस को लाइसेंसिंग ग्रांट करने पर ही ध्यान दे रही है, और उनका दूसरा इंपॉर्टेंट रोल मेडिकल एथिक्स को वो कंप्लीटली इग्नोर कर रही है। कमिटी ने कहा कि MCI के ड्यूटीज के दो हार्ड बाइफर्केशंस करें, जिसमें एक डिपार्टमेंट मेडिकल एजुकेशन पर ध्यान देगा और दूसरा हार्ड डिपार्टमेंट मेडिकल प्रोफेशनल्स के एथिकल कंडक्ट पर ध्यान देगा, और ऐसा अगर नहीं हुआ तो इंडियन मेडिकल सिस्टम जल्द ही कोलैप्स कर देगा। अब दूसरा मेजर रीजन यहां पर है लैक ऑफ अवेयरनेस। असल में इंडियन डॉक्टर्स IMC के एथिकल रेगुलेशंस को हर दिन वायलेट करते हैं और हमें उसका पता भी नहीं चलता है। जैसे नंबर 1, नो ड्रग ब्रांड इन प्रिस्क्रिप्शन। क्लॉज 1.5 कहता है कि डॉक्टर्स को जेनेरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करने चाहिए और ना ही किसी फार्मा ब्रांड के। नंबर 2, डिस्क्लोजर ऑफ फीस। क्लॉज 1.8 के मुताबिक ट्रीटमेंट के पहले ही डॉक्टर को अपनी फीस बताना मैंडेटरी है, वो ऑपरेशन या ट्रीटमेंट के बीच में फीस को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे रूल्स को इस डॉक्यूमेंट में एक्सप्लिसिटली लिखा गया है, बट हमें इसकी नॉलेज नहीं होने की वजह से डॉक्टर्स रूल्स को ओपनली वायलेट करते हैं। अब जैसे कि हमने देखा फ्रेंड्स, लॉज होने के बाद भी डॉक्टर्स उनके अनएथिकल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रख रहे हैं। इसी को सुधारने के लिए बिजनेस इनसाइडर न्यूज के हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ इमीडिएट एक्शंस लेने होंगे। एक्शन जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट को MCI पर बैठे पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल कोएलिशन ऑफ एथिकल डॉक्टर्स एंड हेल्थ एक्टिविस्ट के सारे रिकमेंडेशंस को तुरंत अप्लाई करना होगा। सेकेंडली, हर स्टेट को नेशनल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट को अपने इंडिविजुअल लेवल पर अमेंड करके उसमें पेशेंट्स राइट को प्रोटेक्ट करने वाला क्लॉज और ग्रीवियंस मैकेनिज्म को ऐड करना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन जैसे हेल्थ राइट्स अवेयरनेस मास मीडिया कैंपेन्स चलाने चाहिए, इससे सभी सिटीजन्स अवेयर हो पाएंगे। पर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि सारे डॉक्टर्स सेम नहीं है,
और आज उन अनएथिकल डॉक्टर्स की वजह से हम सभी डॉक्टर्स को कल्प्रेट नहीं मान सकते। इंडिया में कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो वाकई में इसे एज अ सोशल सर्विस कर रहे हैं और पर ट्रीटमेंट सिर्फ 2 से 5 रुपए चार्ज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाकई में काफी कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम है जिसमें हमारे हाथ में कुछ लिमिटेड चीजें ही है और गवर्नमेंट जैसे जैसे करके स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज लाएगी और स्ट्रॉन्ग रीइन्फोर्समेंट्स डालेगी तो ऑब्वियसली जो एनवायरमेंट है वो बेटर होता चले जाएगा। बट तब तक के लिए आप मैं जैसे कॉमन सिटीजन कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं जो हमें सेफगार्ड करेंगे इन प्रैक्टिसेस से। नंबर 1, यंग सर्जन से ज्यादा ओल्ड सर्जन को प्रेफर करो क्योंकि यंग डॉक्टर्स को उनके ऊपर के लोन्स को पे बैक करना होता है तो ओवरचार्ज कर सकते हैं, प्लस उनको अपने करियर के लिए रेप्यूटेशन भी बनानी होती है और इसीलिए ओल्ड डॉक्टर्स के पास जाना बेटर होगा जो शायद रेयर केसेस में ही ऑपरेशंस सजेस्ट करें। दूसरा सजेशन ये देना चाहूंगा कि हमेशा हायरार्की ऑफ डॉक्टर्स से ही जाए, लाइक फिजिशियन टू सर्जन, क्योंकि सर्जन के पास जाओगे देर इज अ हाई चांस कि वो आपको सर्जरी सजेस्ट करेगा कंपेयर टू अ फिजिशियन जो मेडिसिन से पहले ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक मेजर्स, बट आपको ओवरऑल एक अंदाजा आ गया होगा कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है, ताकि कहीं पर भी आपको कुछ भी ऑड लगे तो आप अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हो इन मैल प्रैक्टिसेस। क्या कभी कोई ऐसा इंस्टेंस आपके साथ हुआ है किसी हॉस्पिटल ने या किसी क्लिनिक ने आपको ओवरचार्ज कर दिया हो या फिर आपके साथ कोई मैल प्रैक्टिस की हो? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में बताना, शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी उसे देख सके और उसे सीख सके। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो ताकि आप उन्हें भी पहले से ही सेफगार्ड कर सको। और आप फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए पॉलिसी बाजार वेबसाइट के लिंक पर जाकर रजिस्टर कर लेना, क्योंकि अगर आप पॉलिसी बाजार से कोई भी इंश्योरेंस खरीदते हो तो ये आपको एक क्लेम गारंटी सर्टिफिकेट भी देते हैं और इसीलिए आप खुद पॉलिसी बाजार विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। See you next time. Till then, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.